हाय, मैं रश्मि देवर्षी, रश्मिज़ फूड क्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ में एक खीर की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, बाजरे की खीर। ये बाजरे का दलिया जो बाजार में अवेलेबल होता है, उसी से मैंने इसको बनाया है। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरह का दलिया बाजार में मिलता है, बाजरे का दलिया है, बहुत बारीक कुटा हुआ है, ये इस तरह का ही लेना है। ये वैसे भी आ रहा है और ऑर्गेनिक भी आ रहा है मार्केट में, तो इस दलिया का ही यूज करना है हमें, बहुत मोटा दलिया नहीं लेना है, ये बारीक है बहुत। इसको मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून इस बाजरे के दलिये को भिगो के रख दिया था आधा घंटा के लिए। पहले अच्छी तरह से धो लें और 2-4-5 बार, उसके बाद इसको सोख करके रखते हैं। बहुत ज्यादा पानी में सोख करके नहीं रखना है इसको। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप दूध लिया है, जिसको मैंने गरम कर लिया है। 1-2 उबाल आ जाए अच्छी तरह से दूध में। दूध में उबाल आ चुका है, इसमें ये बाजरे का दलिया जो सोख किया हुआ था वो इसमें डाल दें। और इसको लगातार चलाते हैं, जैसे कि तले में लगना नहीं चाहिए कि जल जाए, तो जले की स्मेल आ जाएगी वरना खीर में। और इसको अच्छी तरह से दलिये को पकने दें। कभी भी आप खीर बना रहे हो तो चीनी कभी भी पहले नहीं डालें। जिस चीज की खीर बना रहे हैं पहले उसे पकने दें अच्छी तरह से। इसको मीडियम आंच में आप दलिये को पकने दें अच्छी, बहुत जल्दी खीर बन जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको अच्छी तरह से उबलने दें। एक बार बीच बीच में इसको चलाते रहे नीचे से, गैस की आंच बिल्कुल मीडियम ही रखें। पांच से छह मिनट में ये दलिया पक के तैयार हो जाता है। इसको पकने दें, बीच बीच में इसको चलाते जाएं। यहाँ हमें क्रीम वाला ही दूध लेना, फुल फैट क्रीम वाला। क्योंकि खीर बना रहे हैं इसीलिए। अब एक बार चेक कर लें कि पका कि नहीं। पक गई है। हल्का सा प्रेस करके देख लें, हो गया है ये। इसके बाद इसमें तीन से चार टेबल स्पून चीनी, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आप ज्यादा खाते हो तो डाल सकते हैं, ज्यादा डालें। एक बार और इसमें उबाला आने दें अच्छी तरह से। चीनी के पकने तक इसको और उबालना है अच्छी तरह से। उसके बाद ज्यादा नहीं उबालना है। अभी यहां ये पतली लग रही है, अपने आप ही थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाएगी। आप इसको ठंडा गर्म दोनों तरह से खा सकते हैं, ठंडी करके भी खा सकते हैं और गर्म करके भी खा सकते हैं। ये उबल गई अच्छी तरह से चीनी डालने के बाद भी। अब इसमें वन फोर टीस्पून इलायची पाउडर, यदि आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डालें चलेगा।
किशमिश है 20, एक टीस्पून पिस्ता के कतरन, एक टीस्पून बादाम के कतरन और एक टीस्पून चिरौंजी। गैस ऑफ कर दें। और 2 टीस्पून नारियल का चूरा। ये खीर रेडी है अभी। अब खीर को सर्व करते हैं। ऊपर से थोड़ा सा बादाम के कतरन और थोड़े से पिस्ता बादाम के कतरन को डाल दें और थोड़ा सा नारियल का चूरा। लीजिए, हमारी ये बाजरे की दलिये की खीर तैयार है। यदि आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राई करें, बनाएं और बना के कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी। आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हो, गर्म करके भी ये खीर को खा सकते हैं। दोनों तरह से बहुत अच्छी लगती है। और यदि आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं आगे जो भी रेसिपी लाऊँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।